सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा छात्रों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस सप्ताह सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने संस्था के पूर्व छात्र अखिलेश साहू विशेष रूप से पहुंचे और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के टिप्स दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी किस तरह की तैयारियां करें, इसे लेकर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के द्वारा वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। साथ ही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत व सम्मानित करने के लिए पूर्व छात्र जो कि यहां पर अध्ययन कर चुके हैं उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। इसी कड़ी में इस सप्ताह के टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने और उन्हें उचित टिप्स देने के लिए विशेष तौर पर पूर्व छात्र अखिलेश साहू विशेष रूप से शामिल हुए। विद्यार्थियों से उन्होंने चर्चा की, साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से वे प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। और रोक दूसरा पैडल मारे बिना रोक नहीं सकते हो, तो हमारा एक पैडल जो है साइकिल का वो लक है, दूसरा पैडल मेहनत। लक हमको मिल गया, लक से यहाँ तक पहुँच गए, अब मेहनत नहीं करेंगे ना तो लक का रोल कंप्लीट। तो ये मान के चलो कि सक्सेस बिल्कुल संभव। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यहां पर पुरस्कृत किए गए। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिलेश साहू का सम्मान संस्थान के द्वारा किया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने अपने अनुभव जो कि कोचिंग के दौरान उन्हें यहां पर मिले थे हमसे साझा किया। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर ने भी इसका उद्देश्य बताया। मैं डॉक्टर अखिलेश साहू, MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं अभी मेकाहारा रायपुर में रीजनल कैंसर सेंटर में कार्यरत हूँ। मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा ये पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पेरेंट इंस्टीट्यूट है, और मुझे आके यहाँ आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें। मैं यहाँ पे 2009 और 2010 में था। 2010 में मैं यहाँ से सेलेक्ट हुआ था, उस समय PMT एग्ज़ाम के थ्रू। हाँ, डॉक्टर चिरंजीवी जैन सर की काउंसलिंग तो याद आती ही है। उन्होंने लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के पहले भी काफ़ी मनोबल बढ़ाया था, काउंसलिंग किया था। और यहाँ की जो डेली क्लासेस हैं, सारे फैकल्टी हैं, सभी ने उत्साह बढ़ाया था, काउंसलिंग किया था, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश साहू जी हैं, जो 2010 बैच का सिलेक्शन है हमारे यहाँ से, और अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और बड़ा ख्याति नाम है इनका भी। तो गेस्ट के रूप में उन्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे सामने इनके हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे और लाभ लेंगे। बच्चे जैसे संस्थान में आज हर जिस दिन टॉपर को सम्मानित किया जाता है उनके मोटिवेशन के लिए जो बुलाया जाता है, बच्चों में कैसी छाप पड़ती है जो आपकी जो पहल है उसकी? देखिए, बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं चीफ गेस्ट के रूप में अपने ही सीनियर को पाके, क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट हो गया वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, वो ज़्यादा जो उस समय की परेशानियाँ समझ सकता है, बता सकता है। तो इनको अपने बीच पाकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि ये कभी, ये शख्सियत कभी हमारे जैसी थी और ये आज यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो एक संभव है होने का जो आभास होता है कि भाई हो सकता है, हो जाएगा, उसको बल मिलता है। बहरहाल आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है, क्योंकि अपने आप को वो पूरी तरह तैयार करते हैं कि किस तरह वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। ACN 24x7 न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।